हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप फोटोग्राफर हो या फिर एक वीडियो क्रिएटर हो, कंटेंट वगैरह बनाते हो, तो आप सभी को पता है कि हमारे लिए कैमरा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कैमरे की प्रोटेक्शन, कैमरे का सेफ्टी हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब स्मार्टफोन आप सभी यूज़ करते हो, तो स्मार्टफोन में भी स्मार्टफोन की सेफ्टी के लिए हम फ़ोन केस लगाते हैं ताकि स्मार्टफोन को कुछ ना हो। तो भैया, अगर अपने पास DSLR कैमरा होगा तो उसकी सेफ्टी हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। उसके लेंस को कुछ ना हो, उसके लेंस पे स्क्रैचेस ना आए, उसकी बॉडी को कुछ ना हो, गलती से वो गिर ना जाए, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहते हैं। हमारे को बहुत संभाल के कैमरा यूज़ करना पड़ता है। और अगर कैमरे को कुछ भी हो जाए ना, तो भाई यहाँ लगता है। सो गाइस, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ DSLR बैग। जी हाँ दोस्तों, DSLR बैग हमारे पास आ चुका है। और बेसिकली ये नॉर्मल DSLR बैग नहीं है, इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बजट में आती है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। खैर, आगे इस चलती वीडियो में मैं आपको इसका प्राइस भी बता दूंगा। आज की इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग भी होगी, और जिस प्राइस पे ये आ रहा है ना, तो इसकी हम एक बार चेक करेंगे कि वर्थ इट है नहीं है। क्योंकि प्राइस यार, मैं सुन के हैरान हो गया था जब मैंने इसे सर्च किया ना, देखा ना, तो इसका जो प्राइस है मैं खुद हैरान हो गया था। इतना सस्ते में बैग मिल रहा है, वो भी DSLR का। तो इसकी क्वालिटी चेक करेंगे, इसका फैब्रिक कैसा है, अंदर कितने कंपार्टमेंट, कितने इसके सेक्शंस आते हैं, सब हम डिटेल में आज की इस वीडियो में देखने वाले। तो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। माय नेम इज शेख अब्रास, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। अपने को सील इसे ब्रेक करना होगा। एंड ओके, सो एक और पॉलीथीन में आता है ये। ओके, सो गाइस, आप देख सकते हो कि बैग कुछ इस तरह से है, ब्लैक इन कलर है, पूरा प्लेन ब्लैक है। सामने कुछ टेक्सचर फिनिश आता है, और आपको एक डिज़ाइन के तौर पे एक लाइन, कुछ भी आप बोल सकते हो, पाइपिंग बोल सकते हो, इन टेलर की भाषा में पाइपिंग बोल सकते हो, तो ऑरेंज में पाइपिंग आपको देखने को मिल जाएंगी। और साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है हमारे DSLR, उसके एक्सेसरीज आराम से आ जाएंगे। एंड मेरा फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में अगर बात करूँ, तो मैं इसकी फर्स्ट इंप्रेशन को मैं 10/10 देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और इन हैंड फील की बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ, तो इन हैंड फील में इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यानी कि आप अगर इसे वॉशिंग वगैरह करोगे, इसे वॉश करोगे अच्छे से, तो कोई फैब्रिक पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि फैब्रिक जो इसका काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और आपको जो है ऑब्वियसली ये दो, हिंदी में क्या बोलेंगे, बंदे मिल जाएंगे आपको, स्ट्रैप्स मिलते हैं आपको। एंड इसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और आपको साइड में दो बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। ऑब्वियसली यार, आप कहीं फोटोग्राफी करने बाहर जाओगे, शूट को बाहर जाओगे, तो पानी तो लगेगा ना भाई, तो बॉटल होल्डर्स आपको दोनों साइड आपको मिल जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। सो गाइस, बात करते हैं बैग के सेक्शन के बारे में। तो आपको एक ही जिप यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि एक ही सेक्शन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे स्कूल बैग में होते हैं ना, अलग अलग पाउचेस होते हैं, हमें सामने पेंसिल रखने का पाउच अलग होता है, पीछे हम नोटबुक्स रखते हैं, सामने वर्कबुक्स रखते हैं, जो भी अलग तरह के सेक्शन मिलते हैं। बट ये DSLR बैग है, ऑब्वियसली इसके अंदर आपको एक ही सेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओ माई गॉड, वाओ, फर्स्ट इंप्रेशन मेरा इसमें 10/10 देना चाहूँगा भाई। अंदर की जो उन्होंने ऑरेंज इन कलर की थीम जो यूज़ करी है, काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। ओके, आप सबसे पहले इसका अंदर का फैब्रिक देख लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले उसका कपड़ा और फैब्रिक होता है। तो फैब्रिक मैं देना चाहूँगा 10/6, मैं इसे फैब्रिक में देना चाहूँगा, अंदर के फैब्रिक में। बाहर के 10/10 देना चाहूँगा, बाहर का फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा कमाल के। ऑब्वियसली ये वाटरप्रूफ है, और अगर भीग भी जाता है बैग, तो आपके DSLR कैमरे को कुछ होने नहीं वाला। और अंदर के फैब्रिक को मैं 10/6 देना चाहूँगा। अगर आप अंदर देख सकते हो, तो सबसे पहले मैं ये वाले सेक्शन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो अगर आप देखोगे, तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे दो जिप आपको देखने को मिलेंगी, और ऑब्वियसली इसमें आप चार्जर, बैटरी, एक्सेसरी, आप जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो, आपका स्मार्टफोन भी आप रख सकते हो, तो वो आपको सेक्शन देखने को मिलेंगे। और नेट के फैब्रिक में आपको देखने को मिलता है, और इसका भी काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और बात करते हैं मेन कंपार्टमेंट के बारे में, तो आपको जो है कई तरह के अलग अलग स्ट्रैप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो ये रिमूवेबल स्ट्रैप्स है, आप अपने हिसाब से कंपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हो, सेक्शन बना सकते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपको दो ही कंपार्टमेंट बनाने हो, तो आप दो स्ट्रैप लेके आपका कंपार्टमेंट बना सकते हो, यानी कि आप अपने हिसाब से आप स्पेस जो है क्रिएट कर सकते हो। तो स्ट्रैप्स के बारे में बात करें, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। स्टिकी टेप्स आपको देखने को मिलती है, तो आप आराम से इजीली लगा सकते हो, कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कंपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हो।
सो गाइस, नंबर ऑफ स्ट्रैप्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको 3 स्मॉल साइज के स्ट्रैप्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि छोटे 3 स्ट्रैप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और बड़े स्ट्रैप्स के बारे में बात करें तो 2 बड़े स्ट्रैप्स आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, यानी कि टोटल आपको 5 स्ट्रैप्स आपको देखने को मिलेंगे। इन 5 स्ट्रैप्स से आपको जो स्पेस क्रिएट करना होगा और आराम से क्रिएट हो भी जाएगा। चलिए गाइस, बात करते हैं बैग की कैपेसिटी के बारे में, यानी कि आपको बैग के अंदर आपको कितना स्पेस आपको देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑब्वियसली आपको एक ही सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। आप स्ट्रैप की मदद से आप कई अलग अलग सेक्शन ऑब्वियसली क्रिएट कर सकते हो। और आप अगर आप अंदर देखोगे तो आपको अंदर का जो स्पेस है वो काफी ज्यादा बड़ा मिलता है, यानी कि आपके 2 से 3 लेंस आराम से आ जाएंगे और एक कैमरे की बॉडी भी आप आराम से बिठा सकते हो। अगर आप जुगाड़ू बंदे हो गए तो आप 2 बॉडी भी बिठा सकते हो, कोई टेंशन आपको इसमें नहीं होगा। और इसके अंदर एक एडवांटेज मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी ज्यादा कमाल का एडवांटेज है, आपको एक अंदर जिप आपको देखने को मिलती है। अगर आप उस जिप को खोलोगे तो उसके अंदर आप जो है फोम आप चेंज कर सकते हो, यानी कि अंदर का जो सॉफ्ट मटेरियल वाला फोम है आपको पसंद नहीं आता, यानी फिर या फिर टाइम चलते खराब हो जाता है, तो आप आराम से अंदर का फोम भी चेंज कर सकते हो। और बहुत ज्यादा सस्ते में फोम मिलता है यार, तो आप आराम से इजीली चेंज कर सकते हो। चलिए गाइस, बात करते हैं बैग के प्राइस के बारे में, ऑब्वियसली जिसके लिए आप अभी तक इस वीडियो में रुके हो। इस बैग को हमने फ्लिपकार्ट से बाय किया था, इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लिंक चेक आउट कर सकते हो। बैग के प्राइस के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो 499 रुपीज़ में हमने ये बैग को बाय किया है। 49 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस आप इंक्लूड कर सकते हो, यानी कि 550 रुपये में हमें ये बैग मिला है। अब 550 रुपये में आप ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सस्ते में, यानी कि बजट के अंदर आपको ये बैग मिल रहा है। इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का, यानी कि बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी। अंदर के जो कंपार्टमेंट है, अंदर के जो सेक्शंस आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। ऑब्वियसली सभी DSLR बैग में आपको कंपार्टमेंट क्रिएट करने का खुद से ही मिलता है। एंड जो स्पेस है अंदर की वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, फोम चेंज कर सकते हो आप इसके अंदर का। एंड हाँ, बैग के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा बता चुका हूँ, उससे ज़्यादा क्या बताऊँगा। बैग ऑब्वियसली नॉर्मल बैग है, इससे ज़्यादा खैर आपको कुछ मिलेगा नहीं इस बैग के अंदर। और मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन ये है कि गो फॉर इट, अगर आपको एक DSLR के बैग चाहिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा चाहिए क्वालिटी के हिसाब से, तो ये बैग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सो यार, हमारे पास DSLR नहीं था, वरना वो भी रख के आपको बता देते थे। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हमारी वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमारे पास DSLR ऑटोमेटिकली आ जाएगा यार। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए आपके भाई को। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये बैग कैसा लगा। और मुझे अभी तक मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो लाइक नहीं करता, फॉलो लाइक कर देना। मिलते हैं कमाल की वीडियो के साथ, तो चलिए गाइस, बाय बाय।